किन्नर की कहानी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन्नर जया अपने आप मेहनत करके कुछ बनना चाहती थी, इसीलिए उसने एक ढाबा खोला। ढाबा खोलने पर जया बहुत खुश थी, लेकिन बदकिस्मत जया की जो उसके ढाबे पे एक भी व्यक्ति खाना खाने नहीं आया। आसपास के सारे ढाबे पे भीड़ लगी रहती थी, पर किन्नर के ढाबे पे कोई नहीं आता था। ऐसे ही 10-15 दिन गुजर गए। फिर एक दिन सुबह जया गुस्से से ढाबे से बाहर आई और भौंपू लेके लोगों को समझा रही थी। अब आगे सभी जानते हैं मैं किन्नर हूँ। मेरे बड़े होने पर मेरे माँ बाप ने साथ छोड़ा और मैं किन्नर समाज के साथ जुड़ गई। मैं अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ। मैं पैसे मांग मांग के थक गई। जया भौंपू लेके जोर जोर से सबको समझा रही थी। तब एक बड़े अफसर की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। वे लोग यह हल्ला सुन के रुके और इकट्ठा हुई भीड़ के पास आ पहुंचे। वो बड़े अफसर और कोई नहीं, वही थे जिन्होंने जया को ढाबे का लाइसेंस दिया था। वो एक आईपीएस अधिकारी के साथ जा रहे थे। उन्होंने आईपीएस अफसर से कहा भी कि वो जया को जानते हैं और फिर पूरी बात बताई। उन्होंने फिर जया को रोका और पूरी बात सुनी। जया ने अब तक उसके साथ जो हुआ वो सब बता दिया। उसके बाद भावुक होके दोनों अफसर ने कहा, चलो जया, आज हम तुम्हारे ढाबे पे खाना खाते हैं। यह सुन जया भावुक हो गई और उनका शुक्रिया अदा करके किचन में खाना बनाने की तैयारी करने लगी। बड़े ही प्यार और लगन से जया ने खाना बनाया और उन्हें पसंद भी आया। जया की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों अफसर ने जया के खाने की खूब तारीफ की, फिर सबके साथ सेल्फी भी खिंचवाई। यह सेल्फी दोनों अफसर ने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी और देखते ही देखते वो सेल्फी वायरल हो गई। किन्नर की यह पहल धीरे धीरे पूरे देश और फिर दुनिया में वायरल होने लगी। सेल्फी वायरल होने के बाद जया का ढाबा खूब चल पड़ा। बहुत सारे मीडिया वाले और यूट्यूबर्स जया के ढाबे पे जया से मिलने और उसकी कहानी सुनने आने लगे। जो कोई भी वहां आता था वो किन्नर के ढाबे का खाना खाके जरूर जाता था। सबको वाकई में किन्नर के ढाबे का खाना लाजवाब लगता था। धीरे धीरे किन्नर के ढाबे पे लोगों की भीड़ बढ़ती गई। जया किन्नर समाज की पहली किन्नर थी जो आज एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाती थी। धीरे धीरे कुछ और भी किन्नर यह किन्नर के ढाबे से जुड़ गई। ढाबे में काम करने में सभी किन्नरों को बहुत खुशी मिलती थी, क्योंकि यहाँ ना ही किसी के सामने हार फैलाना पड़ता, ना ही किसी के सामने रोना धोना पड़ता। यहाँ तो सिर्फ खुद का काम और पैसा, बस और कुछ नहीं। किन्नर का ढाबा धीरे धीरे वह खाने पीने की गली का सबसे बड़ा ढाबा बन गया और इसकी वजह से बहुत सारे किन्नरों को रोजगार भी मिलने लगा। देखते देखते किन्नर के ढाबे को 6 महीने पूरा हो गया। आज जया बहुत खुश थी। शाम को ढाबा बंद करने के बाद जया की सारी सखियां एक साथ मिली। आज सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन सबके साथ बैठी जया थोड़ी सी चुप सी थी। बाकी किन्नरों ने उसे पूछा भी, पर जया कुछ सोच में डूबी थी। जया की एक सखी ने उसे थोड़ा कान में आवाज दिया, जया कहाँ खो गई हो? ख्यालों में डूबी जया एकदम से बाहर आई और बोली, कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस यही सोच रही थी कि हमें पूरे देश की किन्नरों को कुछ काम करने का संदेश देना चाहिए ताकि वो लोग भी आगे बढ़े। जया की यह बात बाकी किन्नरों को भी सही लगी, पर वे सोचने लगे कि हम इसे करेंगे कैसे। तब जया ने कहा, सोशल मीडिया की मदद से। हाँ, सोशल मीडिया सही रहेगा, आखिर उसकी वजह से ही तो हमारा ढाबा इतना चल पड़ा। सभी किन्नरों ने मिलकर एक प्लान तैयार किया, सोशल मीडिया पे एक पेज बनाया और यह पेज जो किन्नर काम करना चाहते थे उनके लिए था। कुछ दिन की मेहनत के बाद वह पेज को रिस्पांस मिलने लगा।
देश के कई कोनों से किन्नरों के मैसेज आने लगे। जया ने भी एक अच्छा खासा डेटा तैयार कर लिया था। जो जिस काम में माहिर था उस काम का डेटा उन्होंने तैयार कर लिया था। जया किन्नर समाज के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में उभर रही थी। जया का ढाबा इतना चल रहा था कि आसपास के ढाबे वाले उससे जलने लगे थे। किन्नर के ढाबे की वजह से आसपास के ढाबे पे अब ना के बराबर ही लोग आते थे। एक दिन ढाबे के सभी मालिक एक जगह इकट्ठा हुए। वो सब लोग अब एक दूसरे की सलाह लेने लगे और कहने लगे, ऐसे ही चलता रहा तो हम सबका तो दिवालिया निकल जाएगा। हमारे ढाबे पे कोई नहीं आता, सब लोग वो किन्नर के ढाबे पे चले जाते हैं, हमें कुछ करना ही होगा। सब लोग एक एक करके अपने अपने सुझाव देने लगे। किसी ने कहा कि हम अपने भाव कम कर देते हैं, तो किसी ने कहा कि हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, पर किसी का सुझाव सबके दिमाग में बैठ नहीं रहा था। एक दूसरे को सुझाव देने पर काम नहीं बन रहा था। तभी एक ढाबे के मालिक को सुझाव आया। उसने सबके कानों में अपनी बात रखी। सबको उसका सुझाव बड़ा ही खतरनाक लगा, पर उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। सबने मिलके जो तय किया था वो ठीक 2 दिन बाद करने का प्लान बनाया। अगले 2 दिन तक सब ढाबे वाले अपने रोज के रूटीन की तरह ही काम करने लगे। रात को जया अपना ढाबा बंद करके चली गई, पर बाकी सब ढाबे वाले अभी तक खुले थे। जया सोच रही थी कि ये लोग अभी तक अपना ढाबा बंद नहीं किए, फिर वो उस पे ज्यादा ध्यान ना देकर वहां से चली गई। आज जया को ढाबे पे बहुत काम था, तो वो आज बहुत थक गई थी। घर पहुंच के जया जैसे ही अपने कमरे में जाती है वैसे ही थकान की वजह से सो जाती है। रात के तकरीबन 1 बजे होंगे और अचानक से जया के मोबाइल में एक कॉल आता है। जया के कॉल रिसीव करते ही सामने से आवाज आती है, दीदी दीदी आपके ढाबे पे आग लगी है, आप जल्दी से पहुंचिए, जल्दी से आइए दीदी, जल्दी आइए। जया अचानक घबरा जाती है और भाग के अपनी सखियों के साथ ढाबे पे पहुंच जाती है। जया के ढाबे पे इतनी खतरनाक आग लगी है कि जया उसे देख बेहोश हो जाती है। सारी सखियां उसे उठाने की कोशिश करती हैं, पर वो नहीं उठ पाती। सभी लोग एम्बुलेंस मंगवाते हैं और फिर जया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जया के साथ क्या होता है। क्या वो अब कभी उठ पाएंगी? क्या अब किन्नर का ढाबा फिर से उठ खड़ा होगा? देश की बाकी किन्नरों का क्या होगा? क्या पुलिस पता लगा पाएगी कि आखिर आग कैसे लगी? यह सब सवालों के जवाब के लिए हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें।